बॉलीवुड की दिवाली पार्टी बहुत ज्यादा फेमस है। इस साल की बी टाउन की सबसे पहले दिवाली पार्टी रखी किंग शाहरुख खान ने और शाहरुख के घर भी सितारों का जमावड़ा लगा नजर आया। जब दिवाली पार्टी अपने शबाब पर थी तब एक खबर आई कि मन्नत के बाहर कोलकाता से आए शाहरुख खान के फैन ने खुद पर ब्लेड से वार कर लिया, जिसके चलते वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस शख्स का नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है। शाहरुख खान के बर्थडे पर बंगले के बाहर आया हुआ था सलीम। कुछ घंटों तक बाहर इंतजार करते इस फैन ने खुद पर ही ब्लेड से वार कर लिया। जब उसे लहूलुहान होते पुलिस ने देखा तो तुरंत अरेस्ट कर लिया। उसने बताया कि वो शाहरुख खान को मिलना चाहता था, उसे लगा ऐसा करके वो किंग खान से मिल पाएगा। इतना ही नहीं, दिवाली पार्टी के दौरान जब जानवी कपूर और ईशान खट्टर अपनी गाड़ी से शाहरुख खान के बंगले के बाहर निकले तो तुरंत फैंस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और तब मुंबई पुलिस को वहां पर मौजूद भीड़ को बेकाबू होते देख हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें, शाहरुख खान की दिवाली पार्टी शनिवार रात से लेकर संडे मॉर्निंग तक चली, जिसके चलते सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए थे। खैर, बता दें कि किंग खान बहुत जल्द फिल्म जीरो में नजर आएंगे। ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। जीरो में शाहरुख खान के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा का भी मुख्य किरदार है। बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। बॉलीवुड की दिवाली पार्टी बहुत ज्यादा फेमस है। इस साल की बी टाउन की सबसे पहले दिवाली पार्टी रखी किंग शाहरुख खान ने और शाहरुख के घर भी सितारों का जमावड़ा लगा नजर आया। जब दिवाली पार्टी अपने शबाब पर थी तब एक खबर आई कि मन्नत के बाहर कोलकाता से आए शाहरुख खान के फैन ने खुद पर ब्लेड से वार कर लिया, जिसके चलते वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस शख्स का नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है। शाहरुख खान के बर्थडे पर बंगले के बाहर आया हुआ था सलीम। कुछ घंटों तक बाहर इंतजार करते इस फैन ने खुद पर ही ब्लेड से वार कर लिया। जब उसे लहूलुहान होते पुलिस ने देखा तो तुरंत अरेस्ट कर लिया। उसने बताया कि वो शाहरुख खान को मिलना चाहता था, उसे लगा ऐसा करके वो किंग खान से मिल पाएगा। इतना ही नहीं, दिवाली पार्टी के दौरान जब जानवी कपूर और ईशान खट्टर अपनी गाड़ी से शाहरुख खान के बंगले के बाहर निकले तो तुरंत फैंस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और तब मुंबई पुलिस को वहां पर मौजूद भीड़ को बेकाबू होते देख हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें, शाहरुख खान की दिवाली पार्टी शनिवार रात से लेकर संडे मॉर्निंग तक चली, जिसके चलते सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए थे। खैर, बता दें कि किंग खान बहुत जल्द फिल्म जीरो में नजर आएंगे। ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। जीरो में शाहरुख खान के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा का भी मुख्य किरदार है। बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।